24 मार्च से शुरू हुए वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन में स्टार्टअप्स और फाउंडर्स के साथ एक बड़ा स्कैम हो गया। इस इवेंट का क्लेम था कि यह दुनिया का सबसे बड़ा फंडिंग फेस्टिवल है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ एलन मस्क और सुंदर पिचाई जैसे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। इसके साथ इसमें 9000 से ज्यादा एंजल इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। लेकिन इस इवेंट के दिन स्टार्टअप के फंडिंग पिच की जगह यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ पुलिस ही दिखाई दे रही थी और इसके ऑर्गेनाइजर्स ल्यूक तलवार और अर्जुन चौधरी को पुलिस के प्रोटेक्शन के साथ बाहर निकालना पड़ा। इन स्टार्टअप्स के साथ हुए फंडिंग स्कैम में कई बड़े यूट्यूबर्स का भी नाम सामने आ रहा है, जिसमें अंकुर वारेकू, राज शमाली, प्रफुल बिल्लोरे जैसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं। तो क्या था ये स्कैम और क्यों इसको अंजाम दिया गया, तो दोस्तों आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मैं प्रफुल बिल्लोरे MBA चावला आ रहा हूँ वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन में। बिगेस्ट फंडिंग फेस्टिवल World Startup Convention. The World Startup Convention 2023, 24 से 26 मार्च ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। The World Startup Convention is coming to town. The Comprehensive Startup Funding Festival happening from 24th to 26th March. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल। और तो इस पूरे फंडिंग स्कैम की शुरुआत होती है अक्टूबर 2022 से, जब लोगों को पता चलता है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा फंडिंग इवेंट नोएडा में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। इस पूरे इवेंट में 9000 से ज्यादा एंजल इन्वेस्टर्स आने वाले हैं और इसमें आपको फंडिंग पाने का बहुत ही अच्छा मौका है। इस इवेंट की टाइमिंग बहुत ही शानदार थी क्योंकि पूरा इंडिया शार्क टैंक इंडिया देख के अपने बिजनेस के फंडामेंटल्स को छोड़ के पूरी तरीके से फंडिंग के पीछे भाग रहा है। वहीं दूसरी तरफ जहां पूरी दुनिया में स्टार्टअप विंटर चल रहा है, जहां पे स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिल रही है, उस समय एक नया इवेंट आया था जो कि क्लेम कर रहा था कि वो आपको बड़ा फंडिंग अमाउंट दिला सकता है। इस इवेंट का क्लेम था कि इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसके साथ ही सॉफ्ट बैंक के CEO मासायोशी सोन आ रहे हैं, जिन्होंने भारत के बड़े स्टार्टअप को फंड किया है, जैसे कि पेटीएम, ओला, ओयो, लेंसकार्ट जैसे कई सारे स्टार्टअप्स इन्होंने फंड किए हुए हैं। इसके साथ ही एलन मस्क, शेख हमदान और गौतम अदानी जैसे बड़े लोग इस इवेंट में आने वाले थे, ऐसा क्लेम किया गया। इस इवेंट के फोटोग्राफ पे लगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फोटो को देख के बहुत लोगों ने इस पे ट्रस्ट कर लिया, लोगों को लगा ये कोई गवर्नमेंट का इवेंट है। इस इवेंट में ये भी क्लेम किया गया था कि इसमें 75,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इसके साथ ही 1500 से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ रहे हैं, इसके साथ ही 9,500 से ज्यादा एंजल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं 50 कंट्रीज से। लेकिन कुछ दिनों बाद इन्होंने इस स्टार्टअप इवेंट का फोटो चेंज कर दिया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे थे, उसकी जगह नितिन गडकरी जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनको आने का बताया गया। इसके साथ ही मनसुख मांडविया जो कि इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर है, इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी जो कि सीएम उत्तराखंड के, इन लोगों के आने की बात की गई। इन फोटोज के एड इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और फेसबुक और यूट्यूब जैसे सारे प्लेटफॉर्म पे चलाया जाने लगा, लेकिन अभी तक लोगों को बहुत ही ट्रस्ट नहीं हो रहा था, जिसके बाद इसमें एक और स्टेप लिया गया और इसमें कई सारे और मार्केटिंग गिमिक ऐड किए गए। इस पूरे स्टार्टअप इवेंट की मार्केटिंग उन प्लेटफॉर्म पे किया गया जहां पे सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स और फाउंडर पाए जाते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और फेसबुक हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग शुरू हुई। इसके बाद यहां पे इन्होंने सबसे बड़े टॉप इन्फ्लुएंसर्स को चूज करना शुरू किया जो कि इनके इवेंट के बारे में लोगों को बता सके, जिससे कि ट्रस्ट बन जाए लोगों पे। जिसके बाद फाइनेंस यूट्यूबर अंकुर वारेकू ने भी आके बताया कि ये नेटवर्किंग का अच्छा मौका है, आप इस इवेंट पे जा सकते हैं। इसके साथ ही यहां पे राज शमानी भी आके यही बात बोलते हैं और इसके साथ ही प्रफुल बिल्लोरे आते हैं, वो तो कहते हैं कि इस इवेंट पे आ भी रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे चेतन भगत भी आते हैं जो कि बोलते हैं कि आप भी इस इवेंट पे जाइए और नेटवर्किंग और फंडिंग पाने का एक बहुत बड़ा मौका है। इनको देख के बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो गए और बहुत लोगों ने इस स्टार्टअप इवेंट के लिए अपने फॉर्म भरना शुरू कर दिया। इस इवेंट का पास पहले 16,000 रुपए था, बाद में उसको कम करके 8,000 कर दिया गया। इसके साथ ही यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए जो पास था उसकी कीमत 25,000 रुपए थी। लेकिन अभी भी इस इवेंट की मार्केटिंग खत्म नहीं हुई थी, यहाँ पे इनके फाउंडर्स को अभी तक कोई नहीं जानता था, जिसके बाद ट्विटर पे एक फोटो आती है जिसमें इस इवेंट के दोनों फाउंडर्स इसके साथ ही बीच में नितिन गडकरी रहते हैं। ये फोटो डाला गया था ताकि लोगों का ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ जाए कि अगर इतने बड़े बड़े लोगों के साथ इसके फाउंडर्स यहाँ पे खड़े हैं तो मतलब ये एक बड़ा इवेंट इंडिया में होने वाला है। इसके साथ ही इनको लगा कि अगर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो लोग इसको ट्रस्ट फैक्टर और ज्यादा चेक करने के लिए लोग कुछ आर्टिकल्स भी जाकर चेक करेंगे, जिसके बाद आउटलुक मैगजीन में एक बड़ा आर्टिकल भी आता है इनके बारे में कि एक बड़ा इवेंट इंडिया में होने जा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हिंदुस्तान टाइम में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक इन्होंने 1,00,000 से ज्यादा लोगों को अपने इस इवेंट में आने का क्लेम भी किया कि इतने लोगों ने पासेस के लिए हमें अप्लाई कर दिया है। आप समझ लीजिए अगर ये 8,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं और इन्होंने क्लेम किया कि 1,000 लोगों ने हमसे पासेस खरीदे हैं तो ये कितने रुपए ये कमा चुके होंगे। लेकिन एंड टाइम पे इवेंट के कुछ दिन पहले इवेंट की डेट पोस्टपोन कर दी जाती है। पहले ये इवेंट होने वाला था 12 जनवरी से, उसको शिफ्ट करके इसको 24 से 26 मार्च तक कर दिया जाता है और यहाँ पे इवेंट का वेन्यू भी चेंज किया जाता है। पहले ये इवेंट होने वाला था UGC गोल्फ कोर्स नोएडा में, बाद में इसको चेंज करके एक्सपो सेंटर नोएडा में कर दिया गया। लेकिन जब 24 मार्च को इवेंट शुरू होता है तो यहाँ पे आए स्टार्टअप के होश उड़ जाते हैं। स्टार्टअप से किए गए वादे झूठे निकले और इस इवेंट पे ना ही नितिन गडकरी आए, ना ही कोई बड़ा इन्वेस्टर आया। इसके साथ ही यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए पीने के पानी की सुविधा तक नहीं थी और इसके बाद बस बवाल समझ गया और इसके बाद नोएडा पुलिस को सामने आना पड़ा और इस इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को यहाँ पे सिक्योरिटी देख के बाहर निकालना पड़ा। इसके बाद कई सारे FIR भी दर्ज हुए इस इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के नाम पे।
ये इवेंट तो खत्म हो गया, लेकिन इसमें नुकसान किसका हुआ? इसमें असली नुकसान हुआ उन स्टार्टअप्स और उन फाउंडर्स का, जिन्होंने बहुत सारे पैसे देके इस इवेंट में फंडिंग की आशा लेके वो लोग आए थे यहाँ पे। इस इवेंट पे आए बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग के स्टार्टअप बैम्बू के फाउंडर वैभव अनंत बताते हैं कि उन्होंने इस स्टार्टअप में आने के लिए करीब 50 लाख रुपए खर्च किए, जिसमें उनका 10 लाख रुपए करीब खर्च हुआ था स्टॉल के लिए, 40 लाख रुपए उनका मर्चेंडाइज डिजाइन में खर्च हुआ था। इसके साथ ही इस पूरे इवेंट के लिए उन्होंने अपने 10 एम्प्लॉइज को भी तैयार करके यहाँ पे लाया था, जिनका रहने खाने का खर्च कुल मिलाकर वो 50 लाख रुपए खर्च हुआ, क्योंकि उनको आशा थी कि उनका स्टार्टअप 2018 में शुरू हुआ था और उनको पहले 28 करोड़ की फंडिंग मिल चुकी है, तो इस इवेंट में उनको एक बड़ा फंडिंग और मिल सकता है। यहाँ पे इसके साथ ही कई और स्टार्टअप आए जिन्होंने बताया कि उनको काफी बड़ा नुकसान हो गया है। इसके साथ ही फिनटेक स्टार्टअप ट्रस्टपे के को-फाउंडर आदित्य बताते हैं कि इस इवेंट में आने का और 3 दिन रुकने और खाने का जो टोटल खर्च हुआ था वो करीब 60,000 रुपए उनका आया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान हुआ है उन फर्स्ट टाइम फाउंडर्स का, जो कि पहली बार कुछ स्टार्टअप शुरू किए हैं और उनको लगा था कि इस इवेंट में आने से उनको काफी बड़ी एक फंडिंग मिल सकती है, उन सबके सपने यहाँ पे टूट गए हैं। इसके साथ यहाँ पे कई सारे कॉलेज स्टूडेंट भी आए थे जिन्होंने अपने घरों से पैसे लेके यहाँ पे आए थे ताकि उनको कुछ फंडिंग मिल सके या स्टार्टअप रिलेटेड उनको कुछ भी सीखने को मिलेगा, जो कि उनके पूरी उम्मीदें खत्म हो गई, जिसके बाद सब ने यहाँ पे अपने पैसे बैक मांगने की डिमांड करना शुरू कर दिया। इसके बाद लोगों ने इस इवेंट को प्रमोट करने वाले उन इन्फ्लुएंसर्स को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके बाद अंकुर वारे को सामने आते हैं और उन्होंने ये बताया कि ये एक इंस्टा कोलैब था सिर्फ, जिसमें हमने सिर्फ नेटवर्किंग की और फंडिंग की अपॉर्चुनिटी बताया और ये बताया था कि किस तरीके से ये इवेंट उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन उन्होंने बोला कि हमको इस इवेंट के बारे में कोई बड़ी जानकारी नहीं थी, ना हम इसके ऑर्गेनाइजर थे, और इस कोलैब के बाद उन्होंने हमारी रील्स को अपने आप यूज करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद हमने उनको कई बार मना भी किया लेकिन उन्होंने हमारे वीडियोज को हटाया नहीं अपने प्लेटफॉर्म पे से। यही बात राज चमानी भी कहते हैं और यही बात बाकी इन्फ्लुएंसर्स भी कहते हैं। इन बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने लॉजिकली तो अपने आप को सही प्रूफ कर दिया कि हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन यहां पे सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? उन लोगों का हुआ जिन्होंने इनके चेहरे देख के उस इवेंट के पासेस खरीदे थे, क्योंकि उनको तो इन लोगों पे ट्रस्ट था, तो इनको तो क्रॉस चेक एटलीस्ट करना चाहिए था। हम आपको बताते कि हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कि अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कहते हैं। इवन मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी भी आई थी हमारे पास, जिन्होंने हमें कहा था कि आप हमारे ब्रांड के बारे में ये चीजें बता दीजिए, लेकिन हमने कभी भी झूठी बातें कभी किसी के बारे में किया ही नहीं, और किसी भी ब्रांड को अगर हम प्रमोट करते हैं तो उसके पहले हम उसकी क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं। तो अगर ये इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे, उन्होंने क्यों नहीं ये चीजें चेक किया कि इंडिया में इतना बड़ा इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज हो सकता है जब पूरी दुनिया में फंडिंग की शॉर्टेज चल रही है? ये सब कुछ इनको खुद भी और अपनी टीम के थ्रू भी चेक कराना चाहिए था, क्योंकि इससे लोगों का काफी बड़ा नुकसान हो गया और ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि ये वही चीजें लोगों के सामने लेके आए जो कि सही हो लोगों के लिए। इसके साथ ही मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बता दूं कि अभी भी ये वेबसाइट लाइव है और इस वेबसाइट पे आप अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। इतना बड़ा स्कैम होने के बाद भी अभी इस पर कोई स्टेप नहीं लिया गया और आप जाके इसमें फॉर्म भर सकते हैं और इवेंट के पासेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक इस वेबसाइट को बंद भी नहीं किया गया है। एग्जैक्टली दोस्तों प्रॉब्लम कहां पे हुई है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया में जब से शार्क टैंक इंडिया आया है तो बिजनेस के फंडामेंटल्स को छोड़ के लोग फंडिंग की तरफ भाग रहे हैं। इस समय अब इंडिया में जो नई एक स्टार्टअप कम्युनिटी बन रही है वो पूरी तरीके से फोकस कर रही है कि फंडिंग कैसे मिल सकता है, कोई भी बिजनेस के फंडामेंटल पे बात ही नहीं करना चाहता है। और इसीलिए जो नए स्टार्टअप होते हैं वो फंडिंग के दौड़ में भागते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि इंडिया के जो बहुत बड़े स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि आप ज़ीरोधा देख लीजिए, वो बूटस्ट्रैप तरीके से आगे बढ़े हैं। दोस्तों इंडिया में आज के डेट में लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि बड़े स्टार्टअप बूटस्ट्रैप तरीके से भी बनाए जा सकते हैं। बूटस्ट्रैप मतलब होता है आप अपने पैसे उठा के जो भी आपने कमाए हैं वो दोबारा उस बिजनेस में इन्वेस्ट करिए और फिर आगे बढ़िए। ये एक सही तरीका है अपने बिजनेस को आगे ले जाने का, लेकिन लोग शॉर्ट ट्रिक्स में और कई सारे बड़े इवेंट्स को देख के और बड़े इन्फ्लुएंसर को सुन के लोग शॉर्ट टर्म पे जाकर बड़ी फंडिंग उठाने की कोशिश करते हैं। ये कभी भी आपके स्टार्टअप को लॉन्ग टर्म में आगे नहीं ले जा पाएगा। इसीलिए हम बिजनेस स्टडीज हम काफी डिटेल में बनाते हैं ताकि आप बिजनेस की फंडामेंटल तो समझिए। अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगा तो ही आप अपने स्टार्टअप को काफी लॉन्ग टर्म में लेकर जा सकते हैं। अगर हम भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाए हुए अदानी को देखें तो अदानी का भी अगर बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता तो अदानी का भी बिजनेस नहीं गिरता। क्यों नहीं आज टाटा का बिजनेस गिर जाता है? क्योंकि टाटा का बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। आप अगर देखें कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ही दम पे अदानी इतने बड़े आदमी बन गए थे, लेकिन उनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिस वजह से वो रातों रात जमीन पे गिर चुके हैं। तो आपको यह जरूर समझना चाहिए कि आपका बिजनेस में कितना दम है, वही आपको लॉन्ग टर्म में लेके जाएगा। तो दोस्तों आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि इस स्टार्टअप पे आए हुए लोगों का जितना सारा पैसा खर्च हुआ है, इतने सारे पैसे जो बर्बाद हुए हैं, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, या कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा और हम ऐसे ही केस स्टडीज लेके आते रहेंगे। हम बिजनेस रिलेटेड आपको बहुत सारी नॉलेज आने वाले टाइम में देने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं।